हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आइए यूपी बोर्ड परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्रम को लेकर के हम फिफ्थ पार्ट में आए हैं, जो कि आपके 100% सफलता है तो आपके लिए अग्रसर है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, दिया है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। पहला ऑप्शन दिया है बंशीधर शुक्ल, बी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन है वैकुंठनाथ शुक्ल और डी ऑप्शन है रामचरण शुक्ल। तो शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है, जो कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 2 पर पहुँचते हैं। द्वितीय हमारा प्रश्न दिया है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं ए ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार, बी ऑप्शन यशपाल, सी ऑप्शन दिया है प्रेमचंद और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, जो कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 3 पर पहुँचते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से तीन ऑप्शन आपके हैं और एक ऑप्शन आपका नहीं है। आइए देखते हैं। पहला दिया है जयशंकर प्रसाद, बी पार्ट दिया है राम कुमार वर्मा, तृतीय पार्ट दिया हर कृष्ण प्रेमी और डी पार्ट है भारतेंदु हरिश्चंद। तो शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, आइए देखते हैं। आपका डी पार्ट जो है वो सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद शुक्ल युग के नाटककार नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। तो आइए प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 4 पर पहुँचते हैं। चौथा हमारा प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया है हरिवंश राय बच्चन, द्वितीय ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है पांडे वेचन शर्मा उग्र, डी ऑप्शन है राम विलास शर्मा। तो प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की है, जो कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 5 पर पहुँचते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। ऑप्शन ए दिया है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन प्रेमचंद, सी ऑप्शन राहुल सांस्कृत्यायन, डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं राहुल सांकृत्यायन, जो कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 6 पर पहुँचते हैं। छठवां हमारा प्रश्न दिया है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। ए ऑप्शन देव, बी ऑप्शन घनानंद, सी ऑप्शन भूषण, डी ऑप्शन बिहारी। तो रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं भूषण, जो कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 पर पहुंचते हैं। सातवां हमारा प्रश्न दिया है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं ए ऑप्शन बिहारी, बी ऑप्शन केशवदास, सी ऑप्शन भूषण और डी ऑप्शन मतिराम। तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास, यानी बी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 8 पर पहुँचते हैं। आठवां हमारा प्रश्न दिया है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, जिनके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन श्रीधर पाठक, सी ऑप्शन सियाराम शरण गुप्त, डी ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 9 पर पहुँचते हैं। नौवां हमारा प्रश्न दिया है,
राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? ए ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को प्रमुख छायावादी कवियों में गिना जाता है। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 10 पर पहुंचते हैं। 10वां हमारा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से तीन ऑप्शन है प्रगतिवादी युग के और एक ऑप्शन है जो प्रगतिवादी युग का नहीं है। तो आइए देखते हैं, ए दिया है नागार्जुन, बी दिया है त्रिलोचन, सी दिया है केदारनाथ अग्रवाल और डी दिया है भारतेंदु हरिशंद। तो जो आपका प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है वो है डी ऑप्शन, यानी भारतेंदु हरिशंद प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 11 पर पहुंचते हैं। 11वां हमारा प्रश्न दिया है, हास्य रस का अस्थाई भाव है? ए ऑप्शन शोक, बी ऑप्शन हास, सी ऑप्शन रति, डी ऑप्शन उत्साह। यानी हास्य रस का अस्थाई भाव है हास। हास का मतलब हंसी। कोई ऐसी कविता कही जाए जिसमें हंसी उत्पन्न हो, इस दशा में हास रस की निष्पत्ति होती है, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 12 पर पहुंचते हैं। 12वां हमारा प्रश्न दिया है, मनु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? तो मनु मानो जनु जानो वाचक शब्द ये हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 13 पर पहुँचते हैं, जिनमें पंक्ति दी गई है और आपको बताना है कि कौन सा छंद है। आइए देखते हैं, पंक्तियां पढ़ते हैं, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन वड़ी आहा, व्योम सिंध सख देख तारक बुदबुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन रोला है, बी ऑप्शन दोहा है, सी ऑप्शन बरवय है और डी ऑप्शन सोरठा है। तो उपर्युक्त पंक्तियों में सोरठा छंद है और इसकी परिभाषा, ये अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में यति भी होती है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोरठा होगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 14 पर पहुंचते हैं। 14वां हमारा प्रश्न दिया है, उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बाकी तीन है। तो आइए देखते हैं, पहला दिया है उपदेश, ये उपसर्ग से बना हुआ है, ये भी सही है। दूसरा दिया है उप उपसर्ग से उपनाम शब्द, ये भी सही है। उपवन, ये भी सही है। यानी शब्द दिया है उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन दिया ऊपर दिया है, यहाँ उप उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 15 पर पहुँचते हैं। 15वां हमारा प्रश्न दिया है, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन एक प्रत्यय, बी ऑप्शन दिन, सी ऑप्शन निक, डी ऑप्शन ये सभी। यानी दैनिक शब्द में
किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो दैनिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 16 पर पहुंचते हैं। 16वां हमारा प्रश्न दिया है, त्रिवेणी में कौन सा समास है, यानी अगला प्रश्न हमारा समास से संबंधित है। त्रिवेणी शब्द दिया है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा समास है। ए ऑप्शन द्वंद्व समास, बी ऑप्शन कर्मधारय समास, सी ऑप्शन द्विगु और डी ऑप्शन अव्ययी भाव। तो त्रिवेणी दिया है इसलिए संख्यावाची है, यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 17 पर पहुंचते हैं। 17वां हमारा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, जिनके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए भागीरथी, बी कालंदी, सी सुरसरिता, डी देव नदी। यानी गंगा के पर्याय कौन कौन से हैं, भागीरथी है, सुरसरिता है और देव नदी है। कालिंदी जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 18 पर पहुंचते हैं। 18वां हमारा प्रश्न दिया है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन इति धन आदि, बी ऑप्शन इति धन यादि, सी ऑप्शन इति धन आदि, डी ऑप्शन ये सभी। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 19 पर पहुंचते हैं। 19वां प्रश्न हमारा दिया है, फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है, जिनके चार ऑप्शन है, ए फलम, बी फले, सी फलेन और डी फलय। तो फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है फलय, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 20 पर पहुंचते हैं। 20वां हमारा प्रश्न है, हसत उस धात रूप का वचन एवं पुरुष है, द्विवचन, मध्यम पुरुष, बहुवचन, उत्तम पुरुष, एक वचन, प्रथम पुरुष, द्विवचन, प्रथम पुरुष। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। लोट लकार आज्ञा अर्थ में है, इसलिए एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन हसत शब्द होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आप HLB डिजिटल क्लासेस से जुड़ते रहिए और UP बोर्ड में मेरिट में अपना नाम पूर्ण आने की संभावना के साथ साथ आप आगे बढ़ते रहिए और HLB डिजिटल क्लास से जुड़ते रहिए। निश्चित ही आपको सफलता आपके कदमों में होगी। धन्यवाद।